तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू आर फैक्टर की। और यार प्रीवियस क्लासेस में कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हम समझ भी चुके थे, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसके अलावा फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास, बात करेंगे डीपी, एपी और एमपी की। अब देखो ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझो। देखो पहली चीज तो यार न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे, टीपी से एपी कैसे निकालोगे, टीपी से एमपी कैसे निकालोगे, या एमपी से टीपी कैसे निकालोगे, सारी बात करेंगे। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट बात, इनका कैसा बिहेवियर होता है, बिहेवियर समझते हो, टीपी आपका इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, सेम ऐसे ही एपी और एमपी। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना, जैसे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन टीपी एमपी, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, तो ध्यान रखना उन सभी बातों के लिए, चाहे तो वो लॉ हो चाहे वो रिलेशन हो, उन सभी बातों के लिए आपको ये टीपी एपी और एमपी के बारे में पता होना चाहिए, ये कैसे बिहेव करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो बच्चा बिना किसी देरी के जरा बात करें टीपी। सबसे पहले टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारे पास एमपी, एमपी बोले तो भैया मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, अभी देखिए एक एक से समझते हैं, ठीक है। एमपी बोले तो मार्जिन, तीसरा है एपी, एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब यार एक चीज देखो आप लोग, तीनों में ही एक बात कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, ये प्रोडक्ट। बच्चा प्रोडक्ट समझते हो, प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट मीन्स जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट तो समझ गए, अब बात आओ टोटल प्रोडक्ट, टोटल का मतलब संपूर्ण। आप एक लेबर लगाओ, एक लेबर लगाओ, मान के चलो प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट, टोटल प्रोडक्शन कितना है 10 यूनिट। ऐसे ही जब आपने दो लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 18 यूनिट का, कितना 18 यूनिट का, तो यार टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 18। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जितने भी लेबर लगाते जाओ उन सबसे जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आपका टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। तो टीपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोटल है ये आपका, ठीक है। इसके बाद आओ मार्जिनल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज इन टोटल। मार्जिनल का मतलब क्या है, चेंज इन टोटल। अब ये चेंज का मतलब क्या है वो समझो। देखो यार एक लेबर लगाया था तो टोटल प्रोडक्शन था 10 यूनिट का, ध्यान दीजिएगा, एक लेबर लगाया टोटल प्रोडक्शन कितने का था 10 का, ठीक है। दूसरा लेबर लगाया टोटल प्रोडक्शन हुआ 18, ठीक है, यही समझ लो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल में चेंज कितना है, 10 से हो गया 18, तो बच्चा एमपी कितना हो जाएगा, मार्जिनल कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, अभी इनके फॉर्मूले भी लिखवाता हूं, परेशान मत हो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल प्रोडक्ट समझ गए, सम टोटल, मार्जिनल प्रोडक्ट वो भी हम समझ गए कि जो भी टोटल प्रोडक्ट में चेंज होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट। तीसरा आओ एवरेज प्रोडक्ट। बच्चा एवरेज तो आप लोग समझते ही हो ना, एवरेज तो हम लोग निकालते हुए भी आ रहे हैं, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ। देखो जब भी एवरेज की बात करते हैं ना तो टोटल को डिवाइड करते हैं लेबर से, या हम यहां लिख देते हैं क्वांटिटी या फिर आउटपुट, ठीक है। यहां एवरेज प्रोडक्ट है तो टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर लो, ठीक है। सो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये आपका कहलाता है एवरेज। एवरेज में हमेशा टोटल को डिवाइड करना पड़ता है क्वांटिटी से, ठीक है। यहां पर आपकी लेबर लेके चलेंगे, जो भी वेरिएबल फैक्टर होगा उससे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो यार इसके बाद आपके काफी सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू आएगा, वहां पर भी ये एवरेज कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू मिलेगा, तो वहां पर भी याद रखना एवरेज कॉस्ट होगा तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से, एवरेज रेवेन्यू होगा तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी आओ बच्चा इन्हीं चीजों को ना जरा फॉर्मूले में समझो। देखो सबसे पहले आओ आप लोग समझते हैं जरा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये अजीब सा फॉर्मूला हो गया, समझा दो, ठीक है। देखो जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है हमें 6 यूनिट पर, ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 60 यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस 1 यूनिट, अभी क्या हो जाएगा, टीपी ऑफ 60 यूनिट माइनस टीपी ऑफ 50 यूनिट, यानी छठवे वाले को पांचवे वाले से माइनस कर दो तो एमपी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा, चलो आगे आओ भाई, ये तो हो गया आपका एमपी। ठीक है, एमपी से ही टीपी निकाल लोगे, तो टीपी क्या होता है, टीपी होता है सिग्मा एमपी। ठीक है, ये सिग्मा वर्ड समझते हो, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, अगर आप एमपी को टोटल करते जाओगे तो आपका टीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने बच्चा लो ये सिग्मा के ऊपर बुक में अगर आप लोगों ने देखा हो छोटा सा एन लिखा होता है ना, यहां लिखा होता है आई इक्वल्स टू वन, इस प्रकार से होता है ना, इनका मतलब भी समझ लो। ठीक है, बेसिकली मोस्टली टीचर्स आपको नहीं समझाते बट समझ लो, देखो ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल 10 लेबर लगाइए, टोटल 15 लेबर लगाइए। आई का मतलब होता है कहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले आपने एक लेबर लगाई थी ना, तो ये आ जाता है एक, यानी कि आप सिर्फ इसी चीज से बता सकते हो कि लेबर की संख्या कहां से कितनी तक है, यानी एक से लेके आपने 50 लेबर तक लगाई, सिर्फ इससे बता सकते हो। ठीक है, और यहां पर भी आपका आई आता है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो तो ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, पहला एमपी निकालना है टीपी से, दूसरा टीपी निकालना है एमपी से। कैसे निकालेंगे, अभी हम टेबल की हेल्प से, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, और आओ भाई, अब आ जाओ एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, टीपी को क्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो इसी चीज को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एपी इंटू क्यू इक्वल्स टू टीपी। तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए, इतने सारे तो नहीं कहूंगे यार, सिर्फ चार फॉर्मूले हैं मात्र, चार फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, देखना है देख लो, नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि अब हम आएंगे सीधा टेबल पर। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पर देखो। अच्छा बच्चा एक चीज और आपको बताऊं, अगर आप लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ चुके हो ना, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो यार, स्टेटिस्टिक्स में आपने दो चीजें निकाली थी, एक था फ्रीक्वेंसी, दूसरा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाई चांस याद, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, मान के चलो यहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो मान के चलो आपका टोटल प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है ना, टोटल करते याद होते। ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बच्चा अभी करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। चलो अभी आओ क्वेश्चंस की तरफ, देखो जरा सबसे पहले देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें दे रखा है L फॉर लेबर है, T फॉर टोटल प्रोडक्ट है, तो लेबर यानी क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स दे रखी है, TP यानी कि टोटल प्रोडक्ट दे रखा है। निकालना क्या है, एक है AP एक है MP, तो सबसे पहले हम लोग AP निकालते हैं। AP कैसे निकालते हो, TP को डिवाइड करते हो क्वांटिटी से, TP को डिवाइड करते हो आउटपुट से। अच्छा बच्चा कुछ लोग कह रहे हैं सर रेड कलर ज्यादा दिख नहीं रहा है, ओके बच्चा नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो येलो लेंगे तो बच्चा व्हाइट में नहीं दिखेगा है ना, ग्रीन पे ग्रीन, एक काम करो ब्लू चेक करो, ब्लू नजर आ रहा है क्या आपको, हाँ भाई ब्लू नजर आ रहा है बच्चे कह रहे हैं, चलो ठीक है भाई। यहां देखो अभी, तो एपी कैसे निकालते हो, एपी निकालते हो टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। चलो भाई, तो टीपी को क्यू से डिवाइड कर दो, 50 को 1 से डिवाइड करो, 50 को 1 से डिवाइड करेंगे भैया 50। ठीक है, अब व्हाइट पे नजर आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है नजर, चलो देन 90 को 2 से डिवाइड कर लो, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45, 120 को 3 से डिवाइड कर लो, 120 को 3 से डिवाइड करोगे 3, 4 जा 20, 40, 140 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, देन 150 को 5 से डिवाइड करते हो 30, 150 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 147 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। बच्चा कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अभी इस टेबल के लिए जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उससे पहले एमपी और निकाल दो। एमपी कैसे निकालते हो भाई, एमपी निकालते हैं भैया टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ऐसे ही निकालते हैं ना, निकाल मेरा। तो देखो, और ये आप फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं एमपी कैसे निकालना है। देखो टीपी में चेंज, ठीक है टीपी में चेंज आपका एमपी, तो पहला तो भाई ऊपर कुछ नहीं है, तो पहला तो 50 का 50। ठीक है, अब देखो 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 क्या होता है,
40, 120 माइनस 90 कितना होता है 30, 140 माइनस 120 कितना होता है 20, 150 माइनस 140 कितना होता है 10, 150 माइनस 150 जीरो, 147 माइनस 150 दैट इज माइनस का 3। ठीक है बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है जरा ध्यान से देखोगे आप। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको याद रखेगी और मेरी बात सुनो, कोशिश करो ये टेबल रट लो, आप रट लो यार, कोशिश करो मेरी बात मानो बहुत काम आएगी, क्योंकि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ोगे, यूटिलिटी नहीं मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ोगे, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ोगे यही टेबल आएगी, रिलेशन पढ़ोगे आप टीपीएमपी एपी में यही टेबल आएगी, बहुत काम आएगी ये टेबल। सुनो याद क्या करना है वो सुनो, टीपी याद कर लो सुनो, 50 90 120 140 150 150 147 ठीक है याद कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना याद नहीं कर सकते हो ना तो एमपी याद कर, क्योंकि आप एमपी से टीपी निकाल लोगे, टीपी से एपी निकाल लोगे, एमपी याद कर लो, इतना भी नहीं कर सकते हो तो 50 40 30 20 10 0 माइनस कर देंगे, ये भी याद ना कर पाओ तो बेकार है, 50 40 30 और 20 10 0 और माइनस का 3। ठीक है अब सुनो इस टेबल से होगा क्या, ये मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूं वो सुनो। देखो आपसे पूछे ना भैया टीपी का डायग्राम बना दो, टीपी कैसे बिहेव करता है बता दो, यहां देखो 50 40 50 90 120 140 150 150 आपका टीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है टीपी बनाओगे टीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एक टाइम पे 150 150 हुआ था देन आपका 147 यानी कि देन आपका डिक्रीज हुआ टीपी, इसी प्रकार से होगा आपका। ठीक है डायग्राम बनाओगे इसी प्रकार से बनेगा आपका टीपी, है ना, अभी तो मैं आपको वैसे ही रफली बता रहा हूं। ठीक है ऐसे ही अब इसके हेल्प एपी क्या होता है 50 45 40 35 30 25 50 एपी अगर डायग्राम बनाना चाहो ना तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है भाई, कंटिन्यूअसली इस प्रकार से कर सकते हो। सॉरी यार मैंने एपी को नेगेटिव लिया है, ध्यान रखना एपी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है क्योंकि टीपी नेगेटिव नहीं होती तो एपी नेगेटिव नहीं होती, एपी निकलती तो टीपी से ही है। ठीक है इसके बाद एमपी आ क्या था 50 40 बहुत तेज गति से कम होते, एमपी जीरो भी आई और नेगेटिव भी आई। अगर मैं यहीं पर आपको एमपी की बात करूं ना, देखो बच्चा कम होते होते जीरो भी आई और नेगेटिव भी आई, ये आपका कुछ एमपी इस टाइप से बनेगा। ठीक है ये तो है सारे रफली डायग्राम, बच्चा परेशान मत होना आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा ना, टीपी एमपी एपी एमपी हर एक चीज एक एक से समझाऊंगा, एक एक से डायग्राम भी बनवाऊंगा, बस अभी एक रफली समझ लो ये इनका बिहेवियर है, याद रहेगा ना, और बार बार कह रहा हूं बस इसे याद कर लो, एक टेबल याद कर लो। ठीक है चलो अब एक काम करते हैं, काफी सारे और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो टीपी एमपी एपी के न्यूमेरिकल्स में। आओ बच्चा अभी आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई, अगेन सेम यार टीपी दे रखा है, एपी और एमपी निकालना है, मेरे ख्याल से निकाल सकते हो ना अभी आप। एपी कैसे निकालोगे, टीपी को क्यू से डिवाइड करो एपी के लिए। ठीक है कैलकुलेट करो भाई जल्दी से, 20 को 1 से डिवाइड करोगे 20, 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, 48 को 3 से करोगे 16, 56 को 4 से करोगे 4 1 4 4 4 जा 16, 60 को 5 से करोगे 12 5 60 10 और ये 7 8 जा 56, है ना एपी आ गया। एमपी कैसे निकलता है, टीपी में चेंज, जल्दी से निकाल दो भाई टीपी में चेंज, पहला 20 का 20, 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36 12, 56 माइनस 48 8, 60 माइनस 56 4, 60 माइनस 60 0 और 56 माइनस 60 माइनस का 4। कोई दिक्कत हुआ बच्चा, नहीं होना चाहिए। ठीक है और क्वेश्चन करवाता हूं, देखते चलो बस, अगर आप देखते ही चलते हो ना तो भी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आओ अभी क्या गिवन है बच्चा, एम तो एमपी से हमें टीपी भी निकालना है और एपी भी निकालना है, सबसे पहले आप एमपी से टीपी निकाला। ठीक है अब बच्चा टीपी कैसे निकालते हैं, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, एमपी को प्लस करते जाओ, लेकिन प्लस कैसे करना है जरा वो देख लेना। ठीक है आओ पहला 18 का 18 पहला तो सेम होता है, अब प्लस कैसे करना है वो सुन, देखो 18 प्लस 16 बताया था ना ये फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है 18 प्लस 16 तो ये आपका होगा 8 6 14,
एक तो आपका हुआ 34, ठीक है। देन 34 प्लस 14 क्रॉस में 34 प्लस 14 तो ये होगा आपका 48, 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 5 प्लस नहीं माइनस का 5 तो भैया 55। कोई दिक्कत? देख लो बच्चा, कोई दिक्कत? इसीलिए बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना तो बिल्कुल आराम से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही आपको बेटा नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे ना, कॉस्ट के न्यूमेरिकल है ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं, रेवेन्यू के न्यूमेरिकल है ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं, तो क्यों ना यार यहीं पर ये चीज सीख लें ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो भाई आगे एपी भी निकाल दो। एपी तो सिंपल है, टीपी को क्यू से डिवाइड करो एल, तो टीपी को एल से डिवाइड करो, 18 को 1 से डिवाइड करोगे 18, 34 को 2 से डिवाइड करोगे 17, 48 को 3 से डिवाइड करोगे 16, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 12, नहीं भाई 15 है ना, तो 15, और 55 को 5 से डिवाइड करोगे 11। बिहेवियर आप समझोगे सब में सेम आएगा, देखो टीपी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज, एपी आपका डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बट जीरो नहीं होगा नेगेटिव नहीं होगा, एमपी आपका डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एक टाइम पे जीरो भी होगा नेगेटिव भी होगा, बिहेवियर सबका सेम आएगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ और देख लो, ये लो, तो अभी कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, बाकी यार पढ़ लो पूरा क्योंकि काम का क्वेश्चन लग रहा है। एजम्पशन दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ेस बाय 5 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये पढ़ लो। मार्जिनल प्रोडक्ट हर एक यूनिट पे 5 से आपका कम हो रहा है, कुछ दिया है क्या? ओ बाप रे, पूरी टेबल खाली दे रखी है इस बार, है ना, पूरी टेबल खाली दे रखी है, ये लो बस ये कह रखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हर एक यूनिट पे 5 से कम हो रहा है, तो इससे पहले क्या होगा? जीरो। उससे पहले क्या होगा भैया? 5। उससे पहले क्या होगा? 10। क्यों होगा? क्योंकि हर बार 5-5 से कम हो रहा है, ये लिखा था ना, हर बार 5-5 से कम हो रहा है, 10 से 5 कम हुआ 5, 5 से कम हुआ 0, 0 से कम 5 कम हुआ, और ये बच्चा एल, ये तो आप पता ही है 1 2 3 4, है ना। चलो कुछ नहीं बचा है, एमपी से टीपी निकाल दो, एमपी से टीपी प्लस करते हो 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 0 0, 0 और माइनस का 5, ओके मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, याद होगा 15 प्लस 0 15, 15 और माइनस का 5 ये आपका 10, ठीक है। टीपी से एपी निकाल दो भैया, एपी निकाल दो, डिवाइड कर दो, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5, 15 को 3 से करोगे 3, 5 जा 15, 10 को 4 से करोगे 4, 2 जा 8, 4, 5 जा 20, देख सकते हो बच्चा लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। और भी कुछ है? एक और है, मैं चाहता तो ये आपको होमवर्क में दे सकता था, बट रहने दो यार, तुम लोग क्यों इतना कष्ट करोगे। एपी दे रखा है, एपी से टीपी निकालो पहले, तो बच्चा एपी से टीपी निकालो, टीपी क्या होता है? एपी इंटू क्यू, ठीक है, या फिर आप एपी निकालते थे ना तो टीपी को क्यू से डिवाइड करते थे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके आओ भाई जरा, तो एपी इंटू क्यू, सो 4 1 4, 6 2 12, 8 3 24, 8 16 24 32, 7.5 into 5, तो 5 2 10, 0 यानी कि 1, और 7 5 35, सो 36, 6 6 अगेन 36, 7 14 21 28, 28, ये लो भाई। अभी एमपी में क्या दिक्कत होगा, टीपी में चेंज देख लो, टीपी में सो 4 का 4, 12 minus 4, 12 minus 4, 8, 24 minus 12, 24 minus 12, ये बच्चा आपका कितना होगा, 24 minus 12, 12, चलो भाई तो 32 minus 24 कितना होगा, 32 minus 24, 6 और 6 और तो आपका 10, 10 नहीं होना चाहिए, एक मिनट बच्चा, सो कैमरे के सामने एक तो वैसे इतना डर लगता है, ऊपर से कैलकुलेशंस 8, देन 36 minus 6, नहीं 4, ओके 4, देन 0, देन आपका 8 8, वो भी माइनस का, ठीक है। देख लो यार, कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बता देना, ठीक है, वैसे यार लग तो नहीं रही है कहीं दिक्कत होगी, चलो कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में, बच्चा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, तो और देख लो, और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है बच्चा लोग, ठीक है, तो बाकी बच्चा लोग आप सभी के लिए आपकी परम रिक्वेस्ट पर सबसे पहले तो की जाएगी पीडीएफ सेव, तो पीडीएफ सेव होती है हमारी ऐप अपलोड्स में, ये लो भाई, तो पीडीएफ हो चुकी है सेव। बाकी बच्चा लोग वीडियो अच्छी लगी हो,
बातें समझ में आई हो तभी वीडियो को लाइक करना है, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, टाइम पास वाली इतनी भी चीजें हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, वैसे तो मत चलाया करो, स्टूडेंट लाइफ में अभी इनकी कोई जगह नहीं है। चलाते भी हो तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, जाके चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी ये कंप्लीट कोर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, मेरी पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, फालतू की सभी बातें इस कोर्स के अंदर भी मिल जाएंगी, जो कि अवेलेबल होगा झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।